बाजरोए बजरी ओ कुंड बीजे बाजरोए बजरी। अभनपुर विकास खंड के निमोरा ब्लॉक में जब मैं एक दिन गया और वहां पे देखा कि किस प्रकार मध्याह्न भोजन, शिक्षा की गुणवत्ता, बच्चों की रुचि और उनके ज्ञान के ग्रहण क्षमता में सहयोग प्रदान कर रहा है, तो उस पर मैंने एक वीडियो बनाया। मध्याह्न भोजन से तो इधर ये है कि फिर बच्चे जो घर में उनको पूरा पोषक तत्व नहीं मिल पाता था, वो उनको मध्याह्न भोजन से स्कूल में मिलने लगा है और वे बहुत खुश होते हैं स्कूल आने पर कि मध्याह्न भोजन में सभी चीज़ें उनको मिलती हैं। बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, स्ट्रेंथ तो काफ़ी बढ़ गई है स्कूलों की और कुछ बच्चे तो केवल मध्याह्न भोजन ही करने ही स्कूल आते हैं, ये सबसे बड़ा प्रभाव है। श्री नकवी जी, उस वीडियो में मध्याह्न भोजन के प्रति बच्चों के लगाव और स्कूल में ठहराव और साफ सफाई के बारे में जो उस वीडियो क्लिप में दिखाए, उसमें हमारे संकुल में भी हम बताए कि उसमें अच्छा प्रभाव पड़ा। क्या चल रहा है? और सब्जी दाल, चावल, पापड़ और शनिवार को चाय और खीर भी। सीडी प्राथमिक शाला निमोरा के मध्याह्न भोजन विषय पर आयोजित किया गया था, जिसे देखने से ऐसा लगा कि शासन ने जिन उद्देश्यों को लेकर मध्याह्न भोजन संचालन की व्यवस्था दी गई है उसका पालन प्राथमिक शाला निमोरा के अध्यापकों के सहयोग से, मध्याह्न भोजन संचालित करने वाली महिला स्व सहायता के सहयोग से एक सही अवधारणा मध्याह्न भोजन का परिलक्षित होते पाया गया। प्राथमिक शाला निमोरा में मध्याह्न भोजन की वीडियो शूटिंग की रिकॉर्डिंग देखा मैं, उसमें देखा कि बच्चे लोग वास्तव में कितने उत्साहित हैं स्कूल आने के लिए मध्याह्न भोजन के माध्यम से। एक मध्याह्न भोजन जो हमारे भारत सरकार द्वारा संचालित है, इससे साफ जाहिर होता है कि यह सिर्फ बच्चों में उसके पेट भरने की जरूरत ही ना होकर बच्चों को स्कूल के प्रति आकर्षित करने का एक सशक्त माध्यम है। ये एक सुखद आश्चर्य और हर्ष का विषय है कि सफलता की इस कहानी ने मध्याह्न भोजन और शिक्षा के अधिकार में एक नई इबारत लिखने में सहयोग प्रदान किया है। इंडियन हर्ड के लिए मैं सरवत नकवी, रायपुर छत्तीसगढ़ से।